नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर आप सभी को। पहले मैं आज एक प्लांट सबको दिखाऊंगी जो संतरे का प्लांट्स है, वो किस कदर लदी है उसमें फ्रूटिंग, उसको देख लीजिए। उसके बाद और एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये वाला क्लिप मैं जनवरी महीने में ली थी। मैं यूट्यूब पर क्यों नहीं उसको डाला मुझे याद नहीं है, लेकिन आज मैं उसको देखकर मुझे लगा ये वाला वीडियो आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। देखिए इस प्लांट्स पर किस कदर फ्रूट्स आई है, इसको क्या चाइनीज ऑरेंज बोलते हैं, जो भी है ऑरेंज या लेमन जो भी आप लोग बोल सकते हैं, लेकिन ये वाला प्लांट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि थोड़ी सी देखभाल करने के बाद ज़्यादा से फ्रूट्स मैं उस पर लेती हूँ। ये सालों में दो बार मुझे फ्रूटिंग देती है ये वाला प्लांट्स। जो गार्डनिंग करते हैं उन सभी लोगों के पास होना चाहिए मेरे ख्याल से। पहले मैं मिट्टी के बारे में बातें करना चाहती हूँ। मैं जो गार्डनिंग करती हूँ बालकनी पर, मैं थोड़ा बालकनी पर गार्डनिंग करती हूँ इसलिए मैं छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा वेट ना हो जाए इसलिए मैंने मिट्टी को सॉफ्ट बनाती हूँ। 30% मैंने मिट्टी ली हूँ और 30% में कोकोपीट या जो राइस हस्क है जो भी मिलता है मैं उसी को भी मिलाती हूँ। उसके बाद 40% में मैं वर्मी कंपोस्ट, और ज़्यादातर मैं जो मैं किचन वेस्ट से बनाती हूँ कंपोस्ट मैं उसको मिलाती हूँ। थोड़ी सी फंजीसाइड्स नीम खली और थोड़ा हल्दी में उसी मिट्टी में मिलाकर ए वाला प्लांट्स को मैंने लगाया था। ए वाला प्लांट्स मेरे पास 10 ईयर्स से है, हर साल वो फ्रूटिंग देती है लेकिन इस साल वो ज़्यादा फ्रूट्स दी है। देख सकते हैं बहुत बड़ा बड़ा फ्रूट्स भी आई है। ये हम लोग ऑर्गेनिक वे से गार्डनिंग करते हैं, मैं तो कोई केमिकल वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा केयर उसको लेना चाहती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा उसका कीड़े का अटैक हो जाएगा तो उसको निकालना मुश्किल, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या करती हूँ, टाइम मिलने से मैं उसको देख लेती हूँ, क्योंकि कीड़े का को तो कोई अटैक नहीं हुआ ना इसीलिए। उसके बाद मैं 7 डेज के बाद नीम ऑयल और जो लिक्विड डिटर्जेंट है मैं उसमें मिलाकर स्प्रे भी कर लेती हूँ। उसके बाद और कुछ केयर नहीं की हूँ, धूप जहाँ पर ज़्यादा आती है वहाँ पर उसको रखती हूँ। उसके बाद ये रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ्रूट्स उसमें आई है। फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है, मुझे तो पता नहीं आप लोग को अच्छा लगेगी या नहीं, अगर अच्छा लगेगी तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे तो जो भी वीडियो मैं डालूँगी पहले आप लोग उसको देख पाएंगे। देखिए ये वाला फ्रूट्स ज़्यादा पक गई है इसलिए थोड़ा टूट भी गई है। ये सारे फ्रूट्स पूरी तरह से पक चुकी है, उसका टेस्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा बालकनी का भी वो बहुत सुंदर भी लगता है, मेरे बालकनी पर जो है मुझे सुंदर भी लगता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।